इतने दिनों के बाद मदरसे जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके व्लॉग, यानी कि बिरजीस खान व्लॉग। तो यार सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह उठे हैं, डेली रूटीन जैसे किया है। तो अभी लेने जा रहा हूँ मैं नाश्ता, उसके बाद सोने को छोड़ना। आज तो बारिश नहीं है, आज तो छोड़ के आना ही आना पड़ेगा उसको। और उसके बाद फिर सीन ये है कि उसको छोड़ने जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी ये देख रहे हैं तो नाश्ते वाली शॉप आज खुली है कि नहीं खुली, तो वो देखते हैं पहले। आज भी अंकल जो है वो शॉप पे नहीं आए हुए, तो अब यही करना पड़ेगा, बाइक निकालनी पड़ेगी और थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, तो वहाँ से नाश्ता लेकर आना पड़ेगा। तो सोनू साहब तो नाश्ता करते नहीं हैं, सिर्फ पापा करते हैं, उसके बाद मैं उठाऊँगा तो मैं करता हूँ, वरना सोनू साहब नहीं करते। तो बस अभी नाश्ता लेकर आना है, उसको छोड़ने जाना है, नाश्ता नहीं करना, नाश्ता पहले लेकर आते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर पापा ने ऑफिस जाना होता है, तो फिर टाइम का पता नहीं लगता, इसलिए पहले जाके नाश्ता लेना पड़ता है। बाइक निकाल लिया उस्ताद जी, चलते हैं अब नाश्ता लेने। आज तो हम जा रहे हैं सोनू साहब को छोड़ने, कल तो थी बारिश लेकिन आज छोड़ने जा रहे हैं इनको, आज मौसम ठीक है, आज आप जा रहे हैं सोनू। ये फुल टुल रहे हैं, इनको लग रहा है कि आज बारिश होगी लेकिन आज बारिश नहीं हुई। तो दरवाजे खोलते हैं, बाइक निकालते हैं, उसको छोड़ कर आते। आज से जो है वो टिकटॉक स्टार अब्दुल मतीन का प्रॉपर मदरसा शुरू हो चुका है, तो डेली मदरसे जाया करेंगे सोनू साहब। तो आज इतने दिनों के बाद हम मदरसे जा रहे हैं, आपको कैसा फील हो रहा? कल तो हमने छुट्टी वाली थी बारिश की वजह से, लेकिन आज मौसम बेटर है, तो आज से फिर मदरसा स्टार्ट है आपका डेली डेली। अच्छा, अभी 8 बजे आप जाएंगे वापसी, 4 बजे फिर इनको पिक करने आने जा रहे हैं, तो अभी चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं मदरसा है किधर। तो यार सोनू को भी यहाँ पे छोड़ दिया, अब बाइक लेंगे हम और जाएंगे घर। ये पीछे जो आपको भी पिक्चर दिखाया वो सारा सोनू का मदरसा ही था, लेकिन ये था कि वहाँ पे मतलब सिर्फ कुरान का हिफ्ज नहीं, और जैसे एक यूनिवर्सिटी होती है उस तरह से भी है। अच्छा, तो आप लोग बैठे हो, मैं इंतजार कर रहे थे। आ गया तो मेरे को पापा को नाश्ता कराया, मतलब नान दिया हमने, तो वो नाश्ता करके अभी ऑफिस गया। अभी मैं बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था कि मैं नाश्ता करूँ कि ना करूँ, फिर कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि कॉम्पिटिशन जाना है आज, तो कॉम्पिटिशन जाता हूँ मैं यहाँ तकरीबन 12 बजे जाता हूँ, तो उससे पहले 11 बजे मैं सोकर उठता था क्योंकि अब तो सोनू की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। 2000 years later। अच्छा, तो यार मैं उस टाइम फिर सो गया था दोबारा से, तो आज मैं फिर नहीं जा सका इधर बता कॉम्पिटिशन देने, तो जिसको मैं पढ़ाने जाता हूँ तो वो सर लेना जो बच्चा है वो ना हाफिज बानर है, उसकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो उसकी आज क्लास लंबी हो गई थी ज़रा, तो फिर उसके घर से कॉल आई कि ना आज थोड़ा लेट हो जाएगा तो आज आप ना आए, तो ना घर जा सके, कल मुझे भूल गया था, आज जब जाना था तो आज जा नहीं सके, तो बस इसलिए। अब कल परसों शायद जाए फिर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी जा रहे हैं, सोनू का टाइम हो चुका है, 4:30 बज चुके हैं, तो अभी जाके उसको पिक करना है जल्दी जल्दी फिर वापस आना, लेकिन अभी ट्यूशन वाले बच्चे भी अंदर आए हुए हैं, तो बस वहाँ से आगे वापस फिर दोबारा उनको पढ़ाएंगे, फिर आपसे मिलते हैं, पहले उसको ले आए फिर देखते हैं। अस्सलाम, टिकटॉक स्टार, ये देखें टाइम, देखें आप वक्त बदल गया, जिस बात टाइम कहीं जा रहा है, 4:40 हो रहे हैं, तो यार हालत देखें आप। यार मैं क्या लगा वैसे, ये पसीना, राइस पसीना। खैर आपका पहला दिन कैसा गुजरा छुट्टियों के बाद? गुड और बैड? गुड।
बच्चे थे या बस हमेशा में छः बच्चे पूरी क्लास में। तो यार अभी बच्चों से फ्री हूँ मैं, तो अभी बैठता हूँ मैं कंप्यूटर पे चेयर पे, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो कंप्यूटर पे ये करना है कि यार मेरी एक असाइनमेंट आई हुई थी यूनिवर्सिटी से, तो उसको ये करना है कि कुछ बताना है मतलब ऑनलाइन एग्जाम्स के बारे में। तो दे दो कुछ, मैंने 5 लिखे हैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अगर आपको इस बारे में कुछ पता है तो आप मुझे कमेंट से बता सकते हैं। तो अभी ये है कि मैंने एक असाइनमेंट बनाई भी है, कल बना ली थी मैंने, तो अभी सबमिट नहीं कराई मैंने ऐसे, लेकिन 1-2 पॉइंट्स बल्कि नहीं 5-6 पॉइंट्स मैंने लिख चुके थे मैंने, तो अगर आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट ये थी जो थी, फर्स्ट क्वेश्चन था असाइनमेंट का वो था मतलब डायग्राम वगैरह बताने थे वो इस तरह से। तो जो सेकंड थी असाइनमेंट उसमें हमने ये बताना था कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ लेक्चरर इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कहते हैं कि अगर आप लेक्चरर हो खुद तो आप बताएं, और जो स्टूडेंट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के वो चाह रहे हैं कि आपके जो पेपर्स हैं मतलब स्टूडेंट्स के जो पेपर हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए, तो आप मतलब एज अ लेक्चरर आप क्या एडवाइस करेंगे कि इस COVID-19 के अंदर आप उसको कैसे मतलब के पेपर्स लिए जाए। तो मैंने इसके अंदर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को हमने लिखना है फ्रॉम लेक्चरर, तो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स देखे कि किस तरह पेपर्स होने चाहिए। वैसे तो मेरी यूनिवर्सिटी जो एलबर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो पहले ही ऑनलाइन लेती है, लेकिन मैंने कहा कि कुछ और घर बैठ के पेपर कैसे दिए जाए, मेरे तो खैर कैंपस में होते थे, लेकिन इस बार ये जो फाइनल एग्जाम्स हैं वो कहते हैं कि वो किस तरह से हो घरों में, तो उसका बताएं। तो फर्स्ट मैंने लिखा थ्रू गूगल क्लासरूम्स और अदर सॉफ्टवेयर लाइक दैट, यानी कि कोई अगर गूगल क्रोम का आपको पता होगा मीट पे आजकल चल रहा है, ये लिखा मैंने एवरी सब्जेक्ट्स टीचर शुड कनेक्ट टू देयर स्टूडेंट्स टू गाइड देम इन देयर पेपर बाय ऑनलाइन एग्जाम्स, कहते हैं कि मैंने लिखा कि आप जब पेपर हो रहा होता है ऑनलाइन तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होते हैं, टीचर्स हमारी यूनिवर्सिटी नहीं होती, कहते हैं कि आप खुद ही पेपर करें, तो मैंने कहा कि कुछ अगर इस तरह से हो जाएगा कनेक्ट हो जाएगा तो हम कुछ भी अगर मसला होता है पेपर पे घर बैठ के ऑनलाइन तो हम उनसे इजीली पूछ भी सकते हैं कि यार सर जी ये पेपर कैसे करना है, मतलब पैटर्न वगैरह पूछ सकते हैं, पेपर नहीं वो तो बताएंगे भी नहीं। तो उसके बाद मैंने कहा कि कुछ मार्क्स आप डिवाइड कर सकते हैं कोई असाइनमेंट जी डी बी इसमें, यानी कि फाइनल के पेपर जो है वो उस तरह से ले लिया जाए कि क्विज वगैरह ले लें, जैसे मिड में जो हुआ था मेरा वो ग्रैंड क्विज हो गए थे। इसके अलावा मैंने कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू पेपर हो सकते हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज के व्हाट्सएप के थ्रू भी पेपर हो रहे हैं, लेकिन उसमें चीटिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके अलावा मैंने फिर लिखा कि एक ऐसी असाइनमेंट आप दे दें जो स्पेसिफिक टाइम के अंदर आप स्टूडेंट करें देखो, यानी कि किसी से पूछ भी नहीं सकता, तो ये भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, तो मैंने इनको भी एडवाइस दिया एज अ लेक्चरर कि आप इस तरह अगर करेंगे स्टूडेंट्स के साथ मतलब कि 15 मिनट का असाइनमेंट दी कि 20 मिनट्स के अंदर आपने क्वेश्चन करके देना ही देना, तो मैं किसी से पूछ भी नहीं सकता 20 मिनट्स के अंदर क्योंकि उसका भी पेपर हो रहा होगा, तो इसलिए। इसके अलावा मैंने और फिर लिखा कि कुछ ऐसा कि सॉफ्टवेयर बना लें घर में बैठ के बंदा इंस्टॉल कर लें उसी पेपर दे दें यूनिवर्सिटी का, लेकिन हमारा तो यूनिवर्सिटी का पहले से बना हुआ है लेकिन कैंपस के बाद चलता है घर में नहीं चलता। तो इस तरह से मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो अभी मेरी इस क्या कहते हैं असाइनमेंट का टाइम है अभी भी, तो आप इसको अगर आपके पास कोई पॉइंट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं स्पोक्स के अंदर कि मैं थोड़ा इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह कर लूँगा। तो बाकी आज का मैं यहीं तक था और आज का बस करते हैं खत्म। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर आप लोग फॉलो कर लें और फेसबुक पेज में ज़रूर लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पे ज़्यादा ये होता है कि मैं अपडेट रहता हूँ, पोस्टिंग करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे मुझे देख सकते हैं, मेरे से अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।